माता रानी का परिवार, माता रानी का मंदिर हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। जो भी जाता है माँ के दरबार उसकी मुराद हमेशा पूरी होती है। एक बच्ची भी अपनी मुराद लेकर पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असमत को नोच कर खाने वाले मंदिर में बैठे हैं। मध्य प्रदेश के मैहर में नाबालिग बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया, बल्कि दरिंदों ने मानवीय कृतियों को अंजाम देकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बच्ची को गंभीर हालत में रीवा मेड के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। काफी खून बहने और अंदरूनी चोटों की वजह से बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घटना गुरुवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों अतुल बरोलिया और रवि चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर में बेटी के साथ बलात्कार की सूचना मिलने पर अपने मन से बहुत पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बेटी को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 से 12 वर्ष की बच्ची सुबह सुबह मां शारदा धाम दर्शन करने के लिए जा रही थी। मैहर के अंदर टोला निवासी बालिका को एक आरोपी ने नहर के किनारे झाड़ियों में खींच लिया। अपने साथी के साथ मिलकर बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह भयावह कृत्य हमें निर्भया कांड की याद दिलाता है, जहाँ हमें मानसिक और सामूहिक बलात्कार के बाद भी शांत नहीं हुआ तो रोती बिलखती बच्ची के जनांग में लाठी घुसेड़ दी गई। खून से लथपथ बालिका को वहीं मरने के लिए छोड़कर आरोपी भाग खड़े हुए। वहीं विपक्षी व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बहनों और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में एक नियमित घटना बन गई है और इससे साबित हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा है कि बच्ची को उपचार के लिए तुरंत 1 करोड़ की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जानी चाहिए।